जय जय सियाराम। जिसकी काम करने की इच्छा शक्ति हो, और हाँ हमें गर्व है नरेंद्र मोदी जी के पास वो सब कुछ है जिनके केंद्र में मंत्री है। हमारे फक्कन सिंह कुलस्ते जोरदार तालियां बजाए। हमारे बोलने के लिए बहुत सारी बातें है। इसी मंडला में अपनी सरकार में माननीय मोदी जी के आह्वान पर ये सरकार बनी है। हमने नारा दिया था मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, और वो परिणाम बाप सहमत हो तो खड़े हो जाओ और बांधो मुट्ठी और तय कर लो फिर एक बार फिर भारत माता की, भारत माता की। जिंदाबाद जिंदाबाद। सो हेलो दोस्तों, मैं रोहित सोनवानी और एक न्यू ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो साथियों, आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है। अभी पीछे आप देख रहे हैं टम्पाल, और हमारे जो कि न्यू सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हो रहा है। और आगमन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे लोकल प्रत्याशी फग्गन जी कुलस्ते का, जो कि लोकसभा चुनाव में नामांकन भरवाने के लिए, उनका यहां आगमन हो रहा है। और बहुत ही शानदार ब्लॉग होने वाला है। अभी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, सुबह का समय है और अभी तो ये कि व्यवस्थाएँ बना रहे हैं यहाँ के भैया लोग, और जितने भी हैं बहुत ही शानदार तरीके से बना रहे हैं। और पीछे अभी हज़ारों की जनसंख्या जो कि आएगी, और दोस्तों यहाँ से जो कि कलेक्ट्रेट के लिए नामांकन रैली भी निकलेगा। तो बहुत ही शानदार ब्लॉग बनने वाला है, और हम भी पूरा इससे ब्लॉगिंग के माध्यम से हम आपको यहाँ का पूरा हर एक चीज़ व्यूज दिखाएंगे। तो चलिए साथी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, इतने कार्यकर्ता हैं और प्रशासन भी आ रहे हैं। हमारे इस मंच पर आदिवासी नेता मौजूद हैं, पूर्व विधायक भी। कि आप आए और सभी को संबोधित करें। संपत्ति जी, दिन से लगातार गरीबों के संघर्ष करने वाले ऐसे इंदौर के मिल मजदूरों को उन्होंने हक दिलाने का काम किया। भाइयों बहनों, इतने ही नहीं, पर्यटन क्षेत्र में मुख्य शहरों तक हवाई सेवा को पीएम श्री धार्मिक स्थान। आज हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र के नामांकन रैली के सभा में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते से ही मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी आज इस सभा में उपस्थित है। जोरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है कि नहीं बनाना है, बताओ बनाना है।
एक बार दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जयकारे के नारे के साथ संकल्प लीजिए कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी को हर बूथ पर ऐतिहासिक बहुमत से जिताकर हम फिर तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बोलिए सब लोग तैयार हैं? फग्गन सिंह को ऐतिहासिक बहुमत से जिताएंगे तो बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने लोकप्रिय प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते जी के लिए आज यहां हम पूरा मंच मौजूद है। जोरदार तालियां बजाएं माननीय हमारे बीडी शर्मा जी के लिए, माननीय विश्वनाथ शर्मा जी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जोरदार तालियां बजाएं। इसी मंच पर मौजूद हमारे वरिष्ठ नेता मोती कश्यप जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं जो हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है। माननीय मंत्री, हमारी जुझारू मंत्री, पीएचई मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके, आप ताली बजाते रहो, मैं नाम लेता रहूंगा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मां नर्मदा के किनारे ये पवित्र धाम भगवान श्री राम के जय जयकारे के साथ माननीय मोदी जी का जो विजय रथ प्रारंभ हो रहा है, तो मंडला तैयार है कि नहीं, मंडला लोकसभा तैयार है कि नहीं है, इधर से आवाज आ रही, आप तैयार हो कि नहीं, तो मेरे हाथ मेरे साथ मिलाकर के जोर से बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे अपने भारत के सदकर्मों के आधार पर पूरी मानवता को लेकर के, हमारी मानवता के आधार पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इतना उदात्त वैदिक काल का विचार दुनिया में पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रहा है और उस व्यक्ति का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमें गर्व है हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर, जिसकी आत्मा साफ हो, जिसकी काम करने की इच्छा शक्ति हो। और हाँ, हमें गर्व है नरेंद्र मोदी जी के पास वो सब कुछ है जिनके केंद्र में मंत्री है हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते। जोरदार तालियां बजाए हमारे अपने फग्गन सिंह जी के लिए। आपके अपने मंडला के लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान राम के मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, अपना समाज 500 साल तक लड़ता रहा, 70 साल तक कोर्ट के चक्कर खाते रहिए, सारे फैसले हो गए, लेकिन आज भी यहाँ के उम्मीदवार के पेट में दर्द है कि हम मंदिर क्यों बन गया। बोलो आप तैयार हो ऐसे नादान आदमी के लिए जो कांग्रेस को उम्मीदवार करने के लिए यही आदमी मिला, और कोई मिला ही नहीं, बड़े अभागे कांग्रेस वाले। उधर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का विरोध करते हैं, भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराते हैं, और यहाँ उनका प्रत्याशी कह रहा कि मंदिर जरूरी है कि कुछ और जरूरी है। अरे भैया, ये इतने बड़े साम्राज्य में 17 लाख साल हो गए भगवान राम से हमारा नाता जुड़े को, हम तो राम राम करके अपने सुबह की भगवान के दिए हुए आशीर्वाद से दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। अनजान से अनजान आदमी भी मिल जाए तो जयराम जी करके उसका नमस्कार करते हैं। हम तो वो लोग हैं जो सोने भी जाए तो आराम राम के पास ही जाते हैं, और राम नाम सत्य हो तो भगवान आनंद मनाते हैं। लेकिन हे दुर्भाग्यशाली, तेरे तो किस्मत फूटे, तू भगवान राम का विरोध कर रहा है, भगवान राम को ठुकरा रहा है। क्या ठुकरा रहा है भाई? केवल ये कीचड़ में फैलते हुए कीचड़ के ऊपर निगाह दौड़ाना है, और आपको क्या खिलाना है, क्या खिलाना है, जरा बताओ खिला के क्या खिलाना है, इधर आवाज नहीं आ रही, क्या खिलाना है। हम और आप सब मिलके संकल्प करें, बोलने के लिए बहुत सारी बातें। इसी मंडला में अपनी सरकार ने माननीय मोदी जी के आह्वान पर ये सरकार बनी है,
163 से ज्यादा विधायकों के साथ आपने मोदी जी की बात मानी, हमने नारा दिया था मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, और वो परिणाम रहा कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। ऐसी चित हुई कि रोज जब सुबह होती है और कांग्रेसों की भीड़ लग जाती है, हमको भी लो पार्टी में, हमको भी लो पार्टी में। हमारी सरकार में सबसे पहला सम्मान गरीबों का, सरकार पे सबसे पहला अधिकार गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, माता बहने बैठी है, लाडली बहनाओं के खाते में हर महीने पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे, ताली बजा के बताओ, कोई महीना खाली नहीं गया है। और क्या किसान क्या जवान, ये समान दृष्टि मोदी जी ने दी है, इसलिए प्रत्येक किसान के लिए किसान सम्मान निधि हमारी सरकार बराबरी से दे रही है। हर एक प्रकार की योजना के लिए, सभी प्रकार के धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन देश और प्रदेश के विकास के लिए, आने वाले समय में भारत को नंबर वन का देश बनाने के लिए हम और आप सब मिलकर संकल्प करें कि हम आने वाले समय में फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, अगर आप सहमत हो तो खड़े हो जाओ और बांधो मुट्ठी और तय कर लो, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार। तो आप जोर से मुट्ठी बांध के संकल्प करो कि आने वाले मतदान के दिवस तक हम सब चुप नहीं बैठेंगे, भारी बहुमत के साथ मंडला से फिर तीसरी बार फग्गन सिंह कुलस्ते जी को सांसद बना के भेजेंगे और मोदी जी के माध्यम से हम देश को नंबर वन और प्रदेश को नंबर वन का राज्य बनाएंगे। बोलो तैयार है, तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। Zindabad!
जिंदाबाद 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 आजमगढ़ जिंदाबाद 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 फाइनली गाइस, जो कि हमारे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का नामांकन वाला कार्यक्रम जो कि समाप्त हो चुका है, कि हमारे नए मुख्यमंत्री के द्वारा जो कि बहुत ही शानदार तरीके से कार्यक्रम जो कि प्रारंभ भी हुआ और समाप्त भी हुआ और बहुत ही भव्य रूप से जो कि रैली निकला रहा, सभी लोग पूर्ण योगदान दिए। चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट भी कीजिए। अब चलिए साथियों, इस ब्लॉग को यहाँ से एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद। Hold me close till I get up, time is barely on our side. What's love?